हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। मैं हूँ रूपा और आज मैं आ गई हूँ केयरशीट एरोमाथेरेपी का एक प्रोडक्ट का रिव्यू प्लस डेमो देने के लिए। केयरशीट एरोमाथेरेपी कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के फेमस एरोमाथेरेपी ब्रांड है। पूरा के पूरा केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, हमारे हेयर और स्किन के लिए एकदम भी हार्मफुल नहीं है। हम लोग आँख बंद करके केयरशीट एरोमाथेरेपी के हर एक प्रोडक्ट यूज कर सकती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रोडक्ट। आज का प्रोडक्ट है केयरशीट एरोमाथेरेपी स्किन हाइड्रेटिंग नीम टोनर। यह है एक अमेजिंग टोनर फॉर एक्ने प्रोन स्किन, पिंपल प्रोन स्किन एंड ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन में पिंपल बहुत ज़्यादा है तो ये टोनर को आप आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डे बाय डे यूज़ करने से पिंपल रिड्यूस हो जाएगी। और अगर आपकी स्किन है एक्ने प्रोन तो भी आप लोग नीम टोनर यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा ऑयली तो भी आप लोग ये नीम टोनर यूज़ कर सकते हो। और एक बार यूज़ करने से आप लोगों को पता चल जाएगी कि काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे पिंपल प्रोन स्किन में पिंपल कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन ये टोनर डे बाय डे यूज़ करने से पिंपल आना बंद हो जाएगी और ये टोनर यूज़ करने से पिंपल रिड्यूस भी हो जाते हैं। जैसे अगर स्किन में पिंपल आ जाते हैं तो पिंपल जाने के बाद रह जाते हैं वो स्पॉट, तो अगर पिंपल नहीं आएगी तो सबसे अच्छा बात है। तो ये टोनर यूज़ करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगी फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कीजिए फेस वॉश से, उसके बाद ही यूज़ कीजिए टोनर। हर बार फेस वॉश करने के बाद टोनर यूज़ कीजिए, उससे स्किन रहते पूरा के पूरा क्लीन एंड क्लियर। हाँ, टोनर यूज़ करने से स्किन बहुत अच्छे से नरिश हो जाते हैं, साथ ही साथ स्किन रहते हैं मॉइस्चराइज, स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन रहते हैं और पिंपल जैसे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं। और ये टोनर है केयरशीट एरोमाथेरेपी नीम टोनर। दिस इंटेंसली हाइड्रेटिंग 100% एल्कोहल फ्री एसेंशियल ऑयल एनरिच्ड फेशियल टोनर वर्क्स मिराकुलसली ऑन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, जैसे मैंने बता ही दिया। और ये है 200 ml का एक बोतल, ये आते हैं स्प्रे बोतल में, तो देखिए ये बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। और साथ ही साथ इसका प्राइस है 210 rupees, तो ये बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो मैं अभी बता देती हूँ। नीम ऑयल, नीम तो हमारे स्किन से पिंपल रिड्यूस करते हैं, पिंपल आना कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ है एसेंशियल ऑयल एंड वाटर। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये टोनर अभी आप लोग क्वेश्चन करोगे कि ऑल स्किन टाइप है या नहीं, मैं कभी भी ऑल स्किन टाइप के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आपकी स्किन ऑयली, पिंपल प्रोन, एक्ने प्रोन है तो ही नीम टोनर यूज़ कीजिए, क्योंकि नीम टोनर यूज़ करने से ऐसा कभी भी नहीं हो जाएगी कि स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होते है। क्योंकि पिंपल अगर आपकी स्किन में है तो आपके फर्स्ट हेडेक है पिंपल, उसको रिड्यूस कर लीजिए, उसके बाद कोई फेयरनेस प्रोडक्ट या फिर ब्राइटनेस प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। उससे पहले फर्स्ट पिंपल का क्योर कीजिए और उसके लिए यूज़ कीजिए नीम टोनर। अगर आपकी स्किन है बहुत ज़्यादा ऑयली तो नीम टोनर यूज़ करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, स्किन रहेगी नरिश्ड मॉइस्चराइज, लेकिन स्किन ऑयली चिपचिपा सा नहीं लगेगी। अगर है एक्ने प्रोन तो नीम टोनर यूज़ करने से एक्ने कम हो जाएगी, और अगर है पिंपल प्रोन तो नीम टोनर यूज़ करने से पिंपल रिड्यूस हो जाएगी। ऊपर में जो क्लेम किया है, बेनिफिट्स ऑफ नीम ऑयल कंट्रोल्स एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन ऑन स्किन, जो मैंने बताई दिया, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्ने एंड पिंपल, प्रोमोट्स कोलाजन सिस्टम्स एंड रिड्यूस रेडनेस एंड रैशेस। हाँ, ये तो मैंने नहीं बताई। अगर बाहर जाने से आपके स्किन हो रहे है रेड और आपके स्किन में आ रहे है रैशेस तो भी आप यूज कर सकते हो केयरशीट एरोमाथेरेपी नीम टोनर। डे बाय डे यूज करने से ये सारे के सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगी। तो चलिए अभी ये टोनर को यूज करके दिखा देती हूँ। जैसे मैं अभी मेरे फेस को क्लीन करके आ गई हूँ केयरशीट एरोमाथेरेपी नीम फेस वॉश से। हाँ, अगर आपके स्किन में पिंपल है, एक्ने है तो नीम फेस वॉश ही यूज कीजिए और उसके बाद यूज कीजिए टोनर। तो चलिए अभी ये टोनर को अप्लाई करके दिखा देती हूँ। मैंने ले लिया है एक कॉटन बॉल और उसके ऊपर अभी स्प्रे करूंगी नीम टोनर, उसके बाद पूरे स्किन में अप्लाई करूंगी। नीम फेस वॉश का रिव्यू प्लस डेमो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। और ये टोनर का एरोमा पूरा का पूरा नीम ही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए डे बाय डे यूज करने से पिंपल पूरा के पूरा खत्म हो जाते हैं। और टोनर तो पूरा का पूरा अंदर से काम करते हैं, तो नीम टोनर जरूर एक बार ट्राई कीजिए।
मैंने अप्लाई कर लिया है कैशिट एरोमाथेरेपी स्किन हाइड्रेटिंग नीम टोनर और मेरी स्किन देख लीजिए कितना अच्छा चमक रहे हैं। हाँ, ये टोनर यूज़ करने से स्किन ब्राइट भी हो जाते हैं और साथ ही साथ स्किन हो जाते हैं पूरा का पूरा प्रॉब्लम फ्री, जो हमें चाहिए। तो आज के लिए मेरी कैशिट एरोमाथेरेपी स्किन हाइड्रेटिंग नीम टोनर का रिव्यू इतना ही। अगर पसंद आए है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आगे जाके अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों के हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।